एवरीवन, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज है एक रेनी डे और इस बरसात के दिन को हम एंजॉय करने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पहाड़ी रास्ता है जहाँ जा रहे हैं। हम एक मोटो कॉफे में भी जाएंगे, ये पूरा बाइक्स वाला और पेट फ्रेंडली कैफे है। और साथ ही साथ हम बहुत सारे सीड बॉल बनाकर लेकर गए हैं, बहुत सारे आज पेड़ भी उगाएंगे, उसके लिए हम सीड बॉल डालेंगे ताकि बारिश में पेड़ उग सके। और भी बहुत कुछ इस ब्लॉग में है तो पूरा जरूर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। बॉक्सर फिर से बारिश आ गई, आज है सैटरडे और बॉक्सर घूमने जाने की सोच रहा है मम्मी पापा के साथ कार में। बहुत धूप थी सुबह और अब आ गई है बारिश बहुत तेज। और बॉक्सर को पानी पसंद नहीं है नीचे जाके, लेकिन बालकनी में बड़ा एंजॉय करता है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग जाएंगे बॉक्सर के साथ पहाड़ी रास्ते पे घूमने। पापा ही बोल रहे हैं कि बॉक्सर को लेकर चलते पहाड़ी रास्ते पे, वहाँ पे अच्छे अच्छे कैफे। नहीं, तुमको भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ट्यूशन तो 5 बजे होता है ना, उससे पहले आ जाएंगे। बॉक्सर बड़ा मजा कर रहा था लेकिन फिर कुछ ज्यादा ही पानी आने लगा तो बॉक्सर अब विंडो में खड़े होकर देख रहा है। है ना, सही आइडिया है ना, क्या कहते हो? बारिश पापा कम या ज्यादा हो रही है? उसका ही देखो, कहीं एकदम काला है और कहीं एकदम चमक वाले बादल भी है। चलो तो फिर पापा भी नहाने गए, रेडी वेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं। लेकिन मैं विश कर रही हूँ, हाँ बुलबुल उठते हैं तो ऐसा बोलते हैं, बड़े लोग बोलते थे कि तब बारिश ज्यादा आती है। मैं विश कर रही हूँ जब हम कार में जाएं तब भी आए। उस दिन रात को याद है हम लेके गए थे बॉक्सर को, हाँ। और हमारे बैठते ही बारिश बंद हो गई थी। हम बारिश में घूमने गए थे लेकिन हम सिर्फ पानी कीचड़ में घूम के आ गए। क्या हुआ बॉक्सर, बहुत नींद आ रही थी? बॉक्सर नींद में से ही गया था, वापस अंदर आके बैठ गया। इसको नींद आ रही थी, नींद में से ही गया था और वापस अंदर आके बैठ गया। क्या हुआ बोक्षी, वो नीनू आई थी? उसको लग रहा है तुम तंग करोगे इसलिए वो किसी दूसरी जगह जाने की सोच रहा है। मम्मा पास आया है बचने के लिए। बारिश बहुत तेज हो गई। चलो बोक्षी, चलो घूमने चलते हैं, आ जाओ बेल्ट पहनो। चलो उठो बेटा, गेट बंद कर दे बॉक्सी, चलो बेल्ट पहनो, जाओ। पापा ने सीट बॉल्स ले ली, पौधे भी उगा के आएंगे रावड़ी में। चलो, मौसम भी अच्छा था ना, फैलो फैलो, चलो 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 मेरी बॉक्सी। अरे चलो, पापा भी चल रहे हैं? हाँ पापा के साथ घूमे 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 पापा के साथ, पापा के साथ। अरे चलो ना, घर में छोड़ जाएंगे तुम्हें। देखो देखो जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊँ दौड़ के कर लूंगा। हमारा प्लान बिल्कुल अचानक बना, तो मेरे पास दाल चावल रेडी था और करेले की सब्जी, वो मैंने पैक कर लिया। अगर मैं रास्ते में भूख लगे तो हम खा सकते हैं, वैसे तो हम कैफे जाएंगे। और साथ ही हमने ले लिए बहुत सारी सीड बॉल्स, ये हमने बनाकर खुद घर पे रखी है, इन्हें हम डालेंगे। श्रेष्ठ वो खेलना चाह रहा है, वो खेलने आया था। हमने अम्ब्रेला भी गाड़ी में रख दिया, कितने महान लोग हैं हम। और जब तक हस्बैंड गाड़ी लेने गए हैं, बॉक्सर को हम यहाँ पार्किंग में वेट करा रहे हैं ताकि उसके पैर गीले ना हो जाए और वो खुद भी गीला ना हो जाए। उसे वैसे भी इस पानी में पैर रखना या चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों कोशिश करिए जब भी आप घर से बाहर जाएं अपने पेट को अकेला ना छोड़ें, और डे बोर्डिंग में छोड़ना भी जब तक हो सके अवॉइड करें। तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके उसको हमेशा साथ ही लेके जाते हैं, एक्चुअली जितना क्या कैसे भी मैनेज ही करते हैं हम। बॉक्सर तुम्हारी शक्ल ही नहीं आ रही है, वीडियो से लगे पड़े हैं। बॉक्सर शो मी योर प्रिटी फेस, सुंदरी।
और सड़कों की हालत देखिए, थोड़ी ही देर में स्विमिंग पूल बन गया है, यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया है। सारा डैम से जलने के बाद उसका वो सब चीज काट दी जाती है। यहाँ पे थोड़े से पेड़ उग गए ना, तुम अपनी सीट बॉल वैसे यहाँ पे डाल सकते थे, पर यहाँ गड्ढा खोदना पड़ेगा, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगी। अच्छा चार वो भी डले थे, क्या आम की गुठलियाँ? चार पाँच पड़ी ना गड्ढे में, यहाँ गाड़ जाऊंगा। हाँ। बैठ गया फाइनली, अब समझ में आ गई, हम तो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, खड़े कब तक रहूंगा मैं? खड़े हो गए, बोलते खड़े हो गए, ऐसे करता है वो, गाड़ी स्लो हो गई ना, हर 2 सेकंड में बैठता है। और हम इस जाम में फंस गए। जो भी है, वर्स्ट बात ये है कि थोड़ी बहुत दूसरी लाइन मूव भी कर रही है, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे है ना। उधर की देखो रोड मूव कर रही है, हमारे साइड वाली ये रेड गाड़ी वाली लाइन भी मूव कर रही है, बस हम ही हैं जो यहाँ पे स्टक पड़े हुए हैं। काफी देर हो गई मुझे लगता है, अगर पुल पे हो गया फिर तो काफी देर ही। ये क्या कर रहे हो बॉक्सर फूफू? बॉक्सर पता नहीं क्या फूंक मार रहा है, देखो क्या कर रहे हो बॉक्सर, जादू मत करो, शक्ल आकर कर रहे हो तुम तो कुछ, हमारे जादू वाली फूंक मारने से नहीं ट्रैफिक मूव होगा, उसको पानी की बूंद दिख रही है ना कांच पे, वो फूंक फूंक करके उनको उड़ाना चाह रहा है। अब तो क्रेन आ गई, देखो कितनी बड़ी क्रेन आई, देखो बड़ी सी क्रेन आ रही है, देखो 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 निकलेगी। ओ बॉक्सर देख रहा है उसको अजीब तरीके से, अजीब नहीं मतलब ताज्जुब से, ये क्या अजीब सी चीज है, वो गई बड़ी सी क्रेन, इंसान ये क्या है? हाँ वो सोच रहा है ना, जानवर ना इंसान ना कार, फिर ये क्या है, मुड़ के भी देख रहा है पता है। अब इतना लंबा जाम लग गया है कि हमें लग रहा है कि हम अपने दाल चावल सब्जी खा ही लें कुछ तो यूज किया जाए इस जाम का। देखो दूसरी लाइन चल रही है और हम अटके पड़े, क्या हुआ? लोग शिफ्ट कर रहे हैं इस लाइन से, उसमें हमें भी शिफ्ट करना पड़ेगा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई इस लाइन में। निकालो पूरा, मस्त है, अभी खाया ही नहीं, अब पैर क्यों छोड़े करके बैठे हाथ में पकड़ ले, काफी गर्म। हाँ तो मैंने दाल भी गर्म की थी और राइस भी एकदम फ्रेश कुक्ड थे, मजा आ रहा है। बड़ा कैफे में जाके कॉफी पियेंगे सोचा था, तब तक करेले खा के काम कर जा रहे हैं। बोर हो गया बॉक्सर, पापा के कान में कुछ वापस से इतने बादल आ गए, अंधेरा हो गया, बारिश का मौसम, लेकिन जाम नहीं खत्म हो रहा। हाँ थोड़ी सी गाड़ी चली, पुल क्रॉस करके आए, फिर से जाम, बैठे बैठे हमने बोर होकर खाने खा लिया। मेरा बख्शी, मेरा बच्चा, छोटे से बाबू, ये देखो जाम लगा पड़ा है अभी भी और काले बादल आ गए, बारिश का प्लान हो रहा है फिर से। बोर होके बॉक्सर बैठ गया, ऐसे प्रखर से चिपक के बैठना ऐसे बहुत पसंद है। बारिश आ गई तेज, चलो यही मजा ले लो, और कुछ नहीं ले पा रहे तो। क्या अधूरा रह गया था, परसों कब गए थे हम रात को बारिश देखने, बॉक्सर के साथ वो बारिश देख ही नहीं पाए थे। लेकिन जो भी हो, ये हमें बारिश और ऊपर से मतलब इतनी देर तक गाड़ी में लटक के लटके इतना थका देगी कि तुम्हें चाय कॉफी पीने का मजा तो आएगा। वैसे तो सड़क छाप चाय वाला मिलना चाहिए अब तो, इस कॉर्नर पे है ना ये हॉस्पिटल के, यहाँ पे यहाँ थोड़ा पी सकते, पर अब इतनी बारिश है, बार बता रही हूँ कि कैफे के अंदर बैठने का क्या मजा है इस टाइम, वहाँ तो कभी बैठ जाते हो ऐसे। और जिस कैफे में हम गए थे वो तो ऊपर पूरा ओपन है, वहाँ तो कहीं जा ही नहीं सकते, हाँ वहाँ तो सब जगह नीचे, हाँ बीच का हिस्सा ओपन था, हाँ कवर्ड वाले एरिया से बैठ सकते, नीचे भी तो था बंद और ओपन सब था, देखो पुलिस अंकल छाता लेके खड़े, और क्या बारिश में भी ड्यूटी कर रहे हैं, आ गए पुलिस अंदर, ये नहीं पुलिस अंदर। इस गेट के अंदर है बॉक्सर का सामने डे केयर, जहाँ पे बॉक्सर रहने आता है, यहाँ पर है इतनी दूर। ये देखो अब आइए, तेज बारिश जम के देखना मुश्किल हो जाता है। हाँ और ये जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं ना, नहीं देखो इनके सर में पानी लग रहा है, वो तो कोई छोटी बात है, पानी अचानक से कम ज्यादा नहीं और आंखों में जा रहा है वो भी, और ऐसे में गाड़ी स्लिप स्लिप होने का बहुत डर रहता है, कितना डेंजरस है। उस तरीके से भी देखो कितना डेंजरस है, ग्रीन ग्रीन हर तरफ ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है। ये
ये रहा बॉक्सर। फाइनली उसने सोच लिया कि अब मैं शांति से सोता हूँ, ये बारिश का तमाशा तो चलता रहेगा, पर यहाँ पे जाम नहीं है, इतनी बारिश में ट्रक चल रहा है। अरे अरे पापा नहीं जा रहे कहीं? मैं नहीं जा रहे पापा। अरे पापा कहीं नहीं जा रहे, सीट बॉल डाल रहे बेटा जंगल में, यहाँ पेड़ उग जाएंगे, यहाँ बंदर बहुत रहते हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये देखो मेरा बेबी, मेरा बेबी कूदा जा रहा है। हम बहुत सारे सीट बॉल्स लाए थे कि अरावली में हम जगह जगह फेंक देंगे। अरे नहीं जा रहे बेटा पापा, उसे कौन दिख रहा है यहाँ, तो कोई जा रहा नहीं दिख रहा। हाँ जा, निकल जा, निकल जा। दूसरे साइड भी वही है, हम जगह जगह बहुत सारे ऐसे सीड बॉल्स फेंकते रहते हैं। दोस्तों बारिश का मौसम है और पेड़ बहुत जरूरी है, आप लोग भी ऐसे सीड बॉल्स बना लें और जहाँ कहीं जाएं गाड़ी में रख लें, रास्ते में आप ऐसे खाली जमीनों पे या जहाँ जंगल है वहाँ फेंक सकते हैं, या पौधे उगाएं जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। और ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को जरूर शामिल करें, उससे क्या होता है उनमें छोटी उम्र से ही एनवायरमेंट का या ऐसी किसी भी चीज को करने का सेंस रहता है, तो आगे चल के उनके ये हैबिट बन जाती है इस तरह से एनवायरनमेंट की केयर लेना। और सीट बॉल कैसे बनाने हैं इसका पूरा एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। इतना वेस्ट कर देते हैं। ये देखो ये कोई अरावली का पहाड़ नहीं, कूड़े का पहाड़ है, सोचो कितना कूड़ा हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये पहुंच गए टोल पे, फास्टैग या फास्टैग नहीं है यार, अजीब बात है। हाँ नहीं, शायद पहले भी कैश ही दिया था। बॉक्सर झांक के देख रहा है ये क्या हो रहा है इस विंडो से। जब भी टोल के लिए विंडो खुलती बॉक्सर हमेशा झांकता है वहां से, हमेशा झांक के देखता है कि क्या हो रहा है, तो करते क्या है, आखिर क्या दिया इस आदमी को, रही आदमी क्या दे रहा है विंडो में से, तीन दिन क्या हो रहा है। ओपन 24/7 है, चलो चलते हैं। वो रहा बॉक्स हमारा कार में। ये एक मोटो कैफे है, यहाँ पे मोटर बाइक्स भी आपको राइड के लिए किराए पे मिलती हैं, और ये एक इंटरनेशनल कैफे है, इसकी आपको बाहर भी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी अदर कंट्रीज में, और इंडिया में भी आपको बहुत सारी जगह ये कैफे मिल जाएगा। इसका नाम है शॉर्टकट शॉर्टकट। डॉगो ना, पर वो लड़ेगा नहीं, वो भोकेगा, हो सकता है वो शांति से बैठ भी जाए, हो सकता है वो भोके। ले गया है उसको, ट्राई करके पता चलेगा। हाँ अगर एक ने भी चिल्लाया तो वो चिल्लाएगा, उसको गाड़ी में रहने दो। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, बॉक्सर को 1.5 से 2 घंटे तक गाड़ी में बैठने की आदत है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होता है, इस बात के लिए वो छोटे से ट्रेंड है। वो घर में परेशान होता है, पर गाड़ी में उसको पता है कि हम पास में हैं, वो परेशान नहीं होता, और हम थोड़े से शीशे भी उसके लिए खोल के आते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे बहुत सारे पैट्स हैं इनके पास, आप खुद भी खेल सकते थे। यहाँ पे रैबिट था, बर्ड्स थे, व्हाइट वाले पिजन्स भी थे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और इनके कई डॉग्स भी यहाँ पर इन्होंने पाले हुए थे कैफे में, जो ओनर जो है उन्होंने। इस कैफे का कॉन्सेप्ट ही यही है, जैसे आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें पुरानी जंक यार्ड टाइप की है, तो इस कैफे का कॉन्सेप्ट ही यही है। इन डॉग्स के साथ आप खेल सकते हो, ये बहुत ही प्लेफुल होते हैं और वैक्सीनेटेड होते हैं, आप अपना भी पैट यहाँ पर ला सकते हो। हम नहीं लाए हैं क्योंकि अगर कोई भोकेगा तो बॉक्सर उस पर जरूर भोकेगा, इससे ज्यादा कंफर्टेबल वो गाड़ी के अंदर है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला कैफे है। They have all kind of animals. They have all kind of animals. है ना, हम ला तो सकते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हो? I'm saying उसको निकाल के ले आते हैं गाड़ी से, यहाँ पे कहीं ला सकते हैं ना शुरू में।
एकदम। हाँ पर वो इससे लड़ेगा, इसको देख के चिल्लाएगा है। वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ ये मिल जाएगा उसको। Even the dogs on rent. है ना? क्रोकोडाइल को देखो, कीचड़ बहुत है। मुझे और हस्बैंड को ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने अपने लिए हमेशा की तरह अदरक वाली चाय ऑर्डर की है, लेकिन श्रेष्ठ को थोड़ी भूख लग रही थी और बच्चों को तो वैसे भी बाहर के नाम पे भूख लग ही जाती है, तो उसने अपने लिए आई थिंक पास्ता ऑर्डर किया है, शायद मिक्स सॉस या व्हाटएवर, पर उसने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया है। तो हम यहाँ पर अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं सांखों के साथ में, यानी कि नमकीन मट्टी टाइप की जो साथ में देते हैं, और नॉर्मली कैफेज में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दिया था जैसे कि सड़क पे मिलती है चाय के साथ में कुछ मट्ठी वट्ठी उस तरीके से, और यहाँ का पास्ता बहुत टेस्टी था। मैंने और हस्बैंड ने एक एक बाइट उसमें से टेस्ट किया था, हमें खाने का तो कोई ज़्यादा मूड था नहीं, तो हमने टेस्ट किया कि देखिए कैसा है, और चाय भी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप कभी गुड़गांव वाले पहाड़ी रास्ते पे होते हैं तो आप थ्रॉटल श्रॉटल पे आ सकते हैं, यहाँ का टेस्ट अच्छा है। बिल्ली लग रहा है तुम, डॉग्स की बजाय बराबर के एक साइज के हैं। और ये जो दो छोटे से क्यूट से पपी डॉग्स थे, ये भी उनके पेट हैं इस कैफे के, बट अभी वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए उन्होंने केज में रखा है ताकि उनको कोई टच ना करे, उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, और जब ये वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो आप इनके साथ बाहर खेल सकते हो। और काफ़ी भीड़ थी कैफे में इतनी बारिश के बावजूद, और मैं आपको बाहर का ओपन एरिया नहीं दिखा पाई हूँ, यहाँ पे ओपन एरिया भी था और ऊपर भी जाके आप बैठ सकते हो, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। देखो सबसे अच्छी बात है कि खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट अच्छा हो तो बेस्ट, और सर्विस भी अच्छी थी। और अगर आप एक पेट ऑनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कितने कैफे होते हैं जो पेट फ्रेंडली होते हैं, बहुत कम, हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो यू कैन सर्च थ्रॉटल श्रॉटल, आपको इंस्टाग्राम वगैरह पर हर जगह ये मिल जाएगा, अपने नियर बाय एरिया या सिटी में कभी आप हों और वहाँ पर आप आराम से अपने डॉगी को लेकर जा सकते हैं। तो हम वापस आ गए हैं अपने डॉगी के पास। अरे बाहर क्यों जा रहे हो, गाड़ी आ रही है बॉक्सर। और ये अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो हमने रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रुकी और यहाँ पे हमने बॉक्सर को भी थोड़ा घुमा दिया है ताकि वो फ्रंट सीट पे आ गए बॉक्सर लड़ने के लिए। वो दूर खड़ा एक वाइट डॉग, गाड़ी चलाओगे क्या? वो उसकी आवाज सुन के भागा कैसे इतनी दूर डर के मारे? अरे क्यों उस साइड आ रहा है? सीट बॉल फेंकने के लिए उतरे और बॉक्सर को दिख गया डॉगी। बॉक्सू आ रहे वो लोग सीट बॉल डाल के आ रहे बेटा। अभी इतना गुस्से लड़ने के लिए लटक के देख रहा है पीछे से, गया बेटा हम आगे आ गए अपनी फेवरेट पोजीशन में लटकते हुए बॉक्सर। जरा सी वजह सब खत्म ही ऑलमोस्ट हो गए। और बॉक्सर के लिए कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर आराम से बॉक्सर सो गया है। और हम घर वापस पहुंच गए हैं, इस तालाब को पार करते हुए तैरते चीरते हुए हम अपनी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे स्विमिंग पूल बन जाता है। बॉक्सर रुक जाओ, चलो लिफ्ट में चलो, आओ जल्दी, अभी घूमने नहीं जा रहे। बॉक्सर ने आके पानी पी लिया, अब बॉक्सर अपना रोटी खा रहा है ना? खा लो खा लो खा लो, मजे से खा लो। इतना सोच सोच क्यों खा रहे हो? नहीं खाना है, खाना है, स्लोली स्लोली खा रहे हो, कभी खाते हो कभी गैप लेते हो। आज बॉक्सर खा रहा है थोड़ी सी मलाई स्प्रेड करके रोटी पे, ये बॉक्सर को ट्रीट की तरह कभी कभी मिलती है रोटी, रोटी के ऊपर थोड़ी सी मलाई स्प्रेड की और खा रहा है।